अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मीनम और स्वागत है आपका हमारे आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रोज़ाना मिलते हैं कितने बजे, 8 बजे मिलते हैं और डेली का जो करंट अफेयर्स होता है, नेशनल और इंटरनेशनल, उससे डिस्कस करते हैं MCQ फॉर्म्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो अगर आपने अभी तक हमसे आप लोग जुड़े नहीं हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऊपर बेल आइकॉन होगा उसे प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिए सो दैट आपके और जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकें। तो चलिए गाइस शुरू कर देते हैं हमारा आज का सेशन। तो एज आई कैन सी राकेश, नौरीन, गुड मॉर्निंग। तो जब तक और लोग आ रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बात कर ले फटाफट से। हाँ जी, तो कल का कुछ होमवर्क का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, तो ज़रा देख लिया जाए, उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, वो कुछ इस तरह से था, इन विच सिटी विल द 130th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स थर्ड ओल्डेस्ट डुरंड कप विल बी ऑर्गेनाइज। विश्व के तीसरे सबसे पुराने डुरंड कप के 130वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो कोलकाता, ऑलमोस्ट सब ने कोलकाता आंसर दिया था, क्योंकि वेस्ट बंगाल है, विच इज़ एक्चुअली द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ कंट्रीज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी अंडर द सर्वे 2021। भारत का कौन सा शहर सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? वो है आपका इंदौर, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश में है जो आपका, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ये इस फॉर्म में मुझे रिभू ने सेंड किए थे, आप लोग भी वहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस तरह से आंसर्स दे सकते हैं। तो रिभू ने सेंड किया था, तो डुरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, आप जानते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है, एशिया का सब ओल्डेस्ट कप है और दुनिया का तीसरा ओल्डेस्ट कप है, कौन सा? डुरंड कप, जो आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर इंदौर था, इंदौर जो कि कमर्शियल कैपिटल है किसकी? मध्य प्रदेश की। अच्छा, एक चीज़ और, रिसेंटली सेफ ड्रिंकिंग टैप वाटर सिटी घोषित किया गया है किसको? पुरी, जो कि ओडिशा में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए, तो इस सीक्वेंस में लोगों ने आंसर्स किए थे राकेश, रजत, नौरीन, शिवम, रिभु और रोहित, ठीक है। इवन अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तब भी आप मुझे आंसर्स कर सकते हैं, अगर आप उस समय देख रहे हैं, काफ़ी लोग रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं, मैं जानती हूँ, ठीक है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। पद्मा, गुड मॉर्निंग। एंड अगर आपको होमवर्क दिया जाता है तो आपको क्वेश्चन भी का आंसर भी देना होता है। चलिए, थोड़ा मैं अपनी स्क्रीन सेट कर लूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए। हाँ जी, सिवा, पद्मा, गुड मॉर्निंग। चलो देखिए, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च रुपीज 4500 करोड़ नाडू नीरू टू टू रीमॉडल 16,000 गवर्नमेंट स्कूल्स इन द स्टेट? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के 16,000 सरकारी स्कूलों को फिर से तैयार करने के लिए 4500 करोड़ रुपए के नाडू नीरू दो लॉन्च किया है? असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें, तो एज यू कैन सी फर्स्ट ऑप्शन इज असम। आप जानते हैं अभी रिसेंटली सरबानंद सोनोवाल को रिप्लेस किया किसने? हेमंत बिस्व शर्मा ने। गवर्नर यहाँ के कौन है? जगदीश मुखी हैं। कैपिटल इज दिसपुर, ठीक है, कैपिटल इज दिसपुर। इसके अलावा असम की ही बात करें तो असम की कुछ स्कीम्स हैं, अरुणोदय स्कीम, धनवंतरी स्कीम, फिर स्वयं, SVAYEM स्वयं स्कीम, और फिर क्या है आपका मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अक्षनी स्कीम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन पे अगर हम आते हैं, अगला ऑप्शन है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा की कुछ स्कीम्स हैं इस तरह से, एकतु खेलू, ठीक है, एकतु पढ़ो स्कीम, ठीक है, एकतु खेलो एकतु पढ़ो स्कीम, ठीक है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, फिर है आपका मुख्यमंत्री युवा योग स्कीम योजना, ठीक है। यहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है? बिप्लब कुमार देव, और गवर्नर कौन है? रमेश बैस। कहाँ की हम बात कर रहे थे? त्रिपुरा की बात कर रहे थे, ठीक है। आ जाते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस पे, अगले ऑप्शन पे कर्नाटक की अगर हम बात करें, हमने कई बार बात भी की है, बसवराज एस बोमई, ठीक है, थावरचंद गहलोत यहाँ पे गवर्नर है, ये CM है। कर्नाटक की कैपिटल इज बेंगलुरु, ठीक है, और फर्स्ट स्टेट बन गया है कर्नाटक जिसने NEP 2020 लागू किया। व्हाट इज़ NEP 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला या स्टार्ट करने वाला फर्स्ट क्या बन गया है? स्टेट बन गया है। राजस्थान के CM इज अशोक गहलोत, गवर्नर इज कलराज
मिश्र, ठीक है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, सी वाला, हाँ जी आंध्र प्रदेश, ज्यादातर लोगों ने आंध्र प्रदेश लगाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग राजा, चलो देखें जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। चीफ मिनिस्टर सभी जानते हैं YS जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने 16 अगस्त को लॉन्च किया है दूसरा चरण, सेकंड फेज लॉन्च किया है नाडू नेडू जो ये आपकी स्कीम है, ठीक है। इसके तहत उन्होंने, जिसका बजट कितना होगा, 45,000 करोड़ रुपीज, ये इसका क्या होगा, बजट होगा। गवर्नर बिश्व भूषण हरिचंदन है कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। चीफ मिनिस्टर आपको बता ही दिया YS जगन मोहन रेड्डी है। एंड कैपिटल जान लो भैया, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है, और अमरावती यहाँ की क्या है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की। चलो जी आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग आकाश, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अभी काफ़ी लोग आए नहीं हैं, कुछ लोग आ गए हैं, चलो इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो लोग भी आके क्लास कर लें। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से और आंसर दीजिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज विच स्टेट नेशनल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी इक्विप्ड विथ सैटेलाइट फोन्स, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, काजीरंगा वाल्मीकि पीलीभीत सरिस्का या अमनगढ़, आपको मुझे उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। तो एज यू कैन सी आपके स्क्रीन पे नाम लिखे हुए हैं, तो आपको मुझे उनके नाम बताने हैं कि कौन सा है वो, ठीक है। हाँ जी, आकाश, शिवा, नौरीन, पद्मा, राजा, जो भी हैं आंसर्स आ गए हैं कुछ लोगों के, कुछ लोगों के अभी नहीं आए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, काजीरंगा वाल्मीकि पीलीभीत सरिस्का अमनगढ़। इफ़ यू टॉक अबाउट वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है ये आपका, ये कहाँ है, वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण जो कि बिहार में है, ठीक है, वेस्ट चंपारण बिहार में है। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं पीलीभीत, पीलीभीत आपका शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का शाहजहां डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है, और इसे 2014 में टाइगर रिजर्व, ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सरिस्का नेशनल पार्क की तरफ आते हैं, ये भी टाइगर रिजर्व है, और ये है आपका राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का है क्या टाइगर रिजर्व, कौन सा, सरिस्का वाला भी। और नेक्स्ट है अमनगढ़, अगर हम अमनगढ़ की बात करें तो ये बिजनौर उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, कहाँ गया भैया अमनगढ़, ये रहा अमनगढ़ जो है ये आपका, ये बिजनौर उत्तर प्रदेश का है क्या आपका, ये सारे आपके टाइगर रिजर्व हैं। एंड लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए वाला काजीरंगा जो कि कहाँ पे है आपका, असम में है, ज़रा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रीबू, प्रशांत, ज्योति आ चुके हैं, 2x2 ब्लैक अवार्ड भी मिला था पीलीभीत को, हाँ इसने एक टारगेट था डबल करने का टाइगर्स को, वो बहुत जल्दी वो टारगेट बहुत पहले कवर कर लिया था इसने, है ना। चलिए तो भैया आपके असम के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिष्णु बरुआ, उन्होंने 10 सैटेलाइट फोन्स हैंड ओवर किए हैं फॉरेस्ट पर्सनल्स को, कहाँ के, काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये जो सैटेलाइट फोन जो सुविधा है या जो ये जो ये टेक्नोलॉजी है, कौन प्रोवाइड करेगा, कौन सर्विस प्रोवाइडर होगा इसका, BSNL प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। गुड मॉर्निंग रमाकांत, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, क्वेश्चन को पढ़ना है एंड आंसर करना है। तो सारे लोग जो आ चुके हैं, अगेन गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, नाम मैंने आपका नहीं लिया, और क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे दीजिए। विच ईयर हैज़ बीन सेट एज द टारगेट फॉर बिकमिंग एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय मोदी जी, ठीक है, मोदी जी ने द्वारा किस वर्ष को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया, किया है, ठीक है। तो 25 है 31, 41, 47, 49, 25, 31, 41, 47, 49, बताओ। तो नौरीन, राकेश का आंसर आ गया है, आकाश, शिवा, पद्मा, और भी जो लोग, रजत नहीं आए हैं क्या भाई, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जी। हाँ जी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या है, 25, 31, 41, 47 और 49, ठीक है। चलो तो ये जो आपका घोषणा है या ये अनाउंसमेंट आपका 15 अगस्त को आप ये मोदी जी ने किया है, ठीक है, आठवीं बार इन्होंने तिरंगा फहराया था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है या नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट किया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वाला, देखो कौन सा है, हाँ 47, 2047, बिल्कुल सही कहा राकेश, सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ऑन 15 अगस्त को एक टारगेट सेट किया है
कि एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएगा भारत, इंडिया, कौन से ईयर तक? 2047 तक, ठीक है। इसके लिए इसको क्या करना होगा? नेचुरल गैस पे अपनी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा नेचुरल गैस का जो उपयोग है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, ठीक है। सीएनजी का यूज़ करना होगा, इथेनॉल का यूज़ ज़्यादा करना होगा, ठीक है। चलिए कुछ ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये देख लीजिए ज़रा, जो आपको पता होनी चाहिए। सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टॉपिक्स नहीं, टारगेट्स दैट हैज़ बीन सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कुछ हमारे टारगेट्स हैं जो हमारी भारत सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं, देख लो। टू एलिमिनेट टीबी, जो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी मुक्त भारत की बात की है 2025 तक। जानकारी के लिए बता दूं, WHO का जो टारगेट है वो है 2030, हमारा 2025 है, ठीक है। टू जनरेट सोलर पावर 500 गीगावाट, ठीक है। सौर ऊर्जा का जनरेट करना 2030 तक का टारगेट है। हर घर जल 2024, ठीक है। देन तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने का टारगेट है 2022। तापी तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, है ना। फिर नेट जीरो कार्बन एमिटिंग, इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करें, शून्य कार्बन उत्सर्जन की अगर हम बात करें भारतीय रेलवे में, तो 2030 तक उसको पूरा करना है हमें। फिर पीयूष गोयल ने एक टारगेट रखा है रेलवे के लिए, 100% इलेक्ट्रिसिटी पे रन कराने का, ठीक है, 2024 तक का ये टारगेट है। देन आपका है इंडिया ब्रिंग फॉरवर्ड टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ठीक है। 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल की बात करें 2023 तक रखा है, ठीक है। तो चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक साथ, ठीक है। ये कुछ टारगेट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं हाल फिलहाल में किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। चलें आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, चलो भैया पढ़ो अगला क्वेश्चन और आंसर दे दो मुझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्थ ऑफ गति, ठीक है, हाँ जी, हाउ मच वर्थ ऑफ गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हैज़ बीन अनाउंस बाय PM मोदी फॉर बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज, रोजगार के अवसर और उद्योगों की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए PM मोदी द्वारा कितने मूल्य की गति शक्ति अवसंरचना योजना की घोषणा की गई है? 25 लाख, 50 लाख, 100 लाख, 125 लाख करोड़ या 150 लाख करोड़, ठीक है, ज़रा बताओ। तो प्रशांत, राकेश, ठीक है, नौरीन, शिवा, रामाकांत, राजा, आकाश, रिभु आ गई है, हाँ रिभु आ गई, ज्योति, ठीक है, और भी जो लोग हैं, पद्मा, ठीक है, सबके नाम ले लिए मैंने एक बार में, ठीक है। चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है क्या। गति शक्ति, अगेन ये 15 अगस्त को ये सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, तो ये सब इम्पोर्टेंट भी बन जाते हैं, ठीक है। चलो जी देखें क्या है इसका आंसर सही वाला, रजत आ गए हैं, चलो जी। अभिनव भी हैं, लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज सी वाला, 100 लाख करोड़, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या है कहानी जी। तो PM मोदी जी ने 100 लाख करोड़ का गति शक्ति इंफ्रा स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है, किस लिए किया है? जॉब्स को बूस्ट करने के लिए, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, व्यवसाय का जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इंक्रीज करने के लिए, और प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कारखाने हैं उनका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए। कब किया है? 15 अगस्त को किया है। कितने लाख करोड़ का है? 100 लाख करोड़ का है, ठीक है। चलिए हाँ जी इतना, हाँ हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई क्या है, हाई स्पीड डीजल? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, देन वी हैव ऑयल इंडिया लिमिटेड, फिर है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस, फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ज़रा देखो क्या है भाई, अगर हम बात करें ऑयल एंड नेचुरल गैस की, ठीक है, तो इसका इसके जो CMD हैं उनका नाम है सुभाष कुमार, ठीक है। इन्होंने अभी एडिशनल चार्ज लिया था, सुभाष कुमार ने, एज CMD ऑफ
ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, किसका, ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ठीक है। इसके अलावा इसके सीईओ का नाम है शशि शंकर, ठीक है, शशि शंकर इनके सीईओ का नाम है, और इसका इस्टैब्लिशमेंट ईयर है 14 अगस्त 1956, आपका फॉर्मेशन हुआ है किसका, ऑयल एंड नेचुरल गैस का, ठीक है। इसके अलावा आते हैं, अगर हम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ आते हैं, तो न्यू दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है, और श्रीकांत महादेव वैद्या, श्रीकांत महादेव वैद्या इसके क्या है, चेयरमैन है किसके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई वाला, कहाँ है भैया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसने डोर टू डोर लॉन्च किया है हाई स्पीड डीजल, ज़रा देख लें, हाँ जी यही है, डोर टू डोर घर घर जाके हाई स्पीड डीजल प्रोवाइड करने की बात की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसका स्थापना वर्ष और फाउंडेशन ईयर इज 1952, एंड द चेयरमैन इज अरुण कुमार सिंह, ठीक है, अरुण कुमार सिंह नाम है उनका। राकेश बेटा एक बार आंसर करिए, ठीक है ना, क्या होता है फिर बाकी लोगों के आंसर्स दिख नहीं पाते हैं, है ना। चलो संजय गुड मॉर्निंग बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, जब कोई बात बताई जाती तभी समझ में आती है ना। चलिए, विच डेट हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी ऑब्जर्व एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बाय पीएम मोदी। ये भी अभी रिसेंटली घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है पीएम मोदी ने ऑन 15 अगस्त। तो पीएम मोदी द्वारा किस तारीख को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, 11, 12, 13, 14, 15। तो आके आकाश, प्रशांत, शिवा, राकेश, रजत, नौरीन, रिबू के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, चलो देख लेते हैं, और भी काफ़ी लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, गुड मॉर्निंग सबको, और आंसर्स कर दो ज़रा। 11, 12, 13, 14, 15 बताओ ज़रा। विनोद का आंसर आया है, रमाकांत ने भी कर दिया, सबको पता है वैसे तो। चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और हम इसका आंसर देख लेते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वाला, 14 अगस्त। बाकी हम डेट्स के बारे में कई बार बात कर चुके हैं ना, 14 अगस्त, 14 अगस्त इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो जी देख लेते हैं, मोदी जी ने डिक्लेयर किया है 14 अगस्त को, ठीक है, एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। आप जानते ही पार्टीशन और को याद करते हुए ये दिन को घोषित किया गया है। देन पाकिस्तान अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 तारीख है, 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अगेन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाया जाएगा कब, 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चिन्मय चैटर्जी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ डैश, चिन्मय चैटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थे, पॉलिटिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे, एक्टर थे, फुटबॉलर थे या पेंटर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शिवम गुड मॉर्निंग, चलो मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा एग्जाम एग्जाम कैसा रहा, अजय का भी आंसर आ गया, ठीक है। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी, अभिनेता, फुटबॉलर या चित्रकार, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चिन्मय चिन्मय चैटर्जी, इंपॉर्टेंट है। देखें जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या किस को बिलोंग करते हैं, इन्होंने 4 बार संतोष ट्रॉफी जीता है, बिल्कुल सही, क्या 4 बार संतोष ट्रॉफी में खेले हैं, अच्छा पानी आता है आपके यहाँ, समझी नहीं रिबू मैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं, ठीक है। फुटबॉलर हैं और उनको आप देख सकते हैं, चिन्मय जी को, इनका हाल में ही पास्ट अवे, ज़रा देखें क्या है। तो ये इन्होंने 1970s के दौरान खेला था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा ये इंडियन टीम के मेंबर थे 1978 के बैंकॉक एशिया गेम में, ठीक है, और चौथा हमारी टीम ने फिनिश किया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मोहन बगान के लिए खेले हैं, ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन स्पोर्टिंग खेले हैं अपने करियर के दौरान, ठीक है। और इन्होंने संतोष ट्रॉफी 4 बार रिप्रेजेंट किया है, भारत को रिप्रेजेंट किया है संतोष ट्रॉफी, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है ना, अभी किसी ने बताया भी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अगेन इम्पॉर्टेंट है ये, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, लेट्स सी देखो क्या है।
अच्छा हाँ सही बात है, मॉर्निंग में तो यही सबका टाइम होता है, हमारे यहाँ भी टाइम होता है बट कोई और देख लेता है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। पहले क्वेश्चन पढ़ दें। अजय, राकेश, आकाश, शिवा, राकेश, संजय। चलो, दिहांग पटकई नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। दिहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में आप सभी लोग जानते हैं बोध गया का जो महाबोधि टेम्पल है, ठीक है, बोधि ट्री भी है वो वहाँ पे है। कहाँ? बिहार में है। बिहार का स्थापना वर्ष या फॉर्मेशन इज 1912 में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी, बिहार राज्य का जो गठन हुआ था जिसको कहेंगे, उन 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। पटना कैपिटल है। नीतीश कुमार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं फगु चौहान। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं बिहार की। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ जो हमें बिहार के बारे में आपको बतानी थी वो ये बतानी थी कि यहाँ का जो एनिमल है, स्टेट एनिमल है, वो बुल है। ठीक है, और स्टेट बर्ड है वो स्पैरो है, गौरैया जिसे कहा जाता है। ठीक है, स्टेट फ्लावर यहाँ का मैरी गोल्ड है। ने बिहार के कुछ नेबरिंग स्टेट्स इस तरह से झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये यहाँ पे है। कहाँ पे? बिहार में है, टाइगर रिजर्व है आपका। ठीक है, काफ़ी लोगों के स्टेट, अच्छा राकेश जी का, काफ़ी लोग यहाँ पे बिहार और झारखंड वाले बच्चे हैं मेरे, है ना। बहुत अच्छा अच्छा शहर है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले किसी शहर की। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो केरला की अगर हम बात करें तो केरला में पिनरई विजयन है, आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे सीएम है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात कर लेते हैं। एंड द राइट आंसर इज बी वाला, असम, क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले सबके बारे में सब कुछ बताया है, असम इसका राइट आंसर है। चलो देख लेते हैं, तो असम में 7 पार्क्स हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। काजीरंगा, ठीक है, ओरांग, फिर मानस है, फिर है आपका नमेरी है, फिर दिब्रू सिखवई है, दिहांग है, और देखो छठा अभी रिसेंटली घोषित किया गया था नेशनल पार्क, उसका नाम था पटकई, और सातवां, सेवेंथ वाला घोषित किया गया था, अनाउंस किया गया था रमोना। ये शायद मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया भी था, पटकई और रमोना रिसेंटली नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। ठीक है, चलो जी, चलो चलो भाई फटाफट से अगले क्वेश्चन। शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, लेकिन किस चीज के लिए है? ठीक है, सभी स्टेट्स अच्छे हैं, सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, देखो भाई क्या है। जैकी नहीं आए हैं आज भाई, कहाँ है जैकी? शिवम, नौरीन चलो क्वेश्चन पढ़ दें, बहुत कमेंट्स हो गए मुझे समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, क्या हुआ भाई? शिवम समझ में नहीं आया बट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, हु इज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कौन है? के पद्माकर, अरुण रस्ते रास्ते, मुख मीत एस भाटिया, मलिका श्रीनिवासन। ठीक है, एंड देन वी हैव शबीर हुसैन। चलो बात करें इसके बारे में, तो वन बाय वन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो अरुण रस्ते की अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन तो ये क्या है, एमडी है किसके? NCDEX के। ठीक है, 2003 में इसकी इसका फॉर्मेशन हुआ है, मुंबई हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मुखमीत भाटिया की तरफ, ये डीजी है ESIC की। ठीक है, ये डीजी है किसकी? ESIC। ESIC क्या चीज़ है भाई? ESIC है आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। मुखमीत भाटिया की हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट नेम आप अगर देखिए तो मल्लिका श्रीनिवासन है, ये एक इम्पॉर्टेंट नेम है, हमने इनके बारे में भी कई बार बात की थी। रीसेंट अपॉइंटमेंट हुआ था, चेयरपर्सन बनी है PESB की। ठीक है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस की ये वो बनी है, क्या चेयरपर्सन बनी है। ठीक है, आ जाते हैं
इस क्वेश्चन के आंसर पे, तो ए वाला के पद्माकर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है चलें आगे बढ़े। तो के पद्माकर को है चेयरमैन है किसके, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के। ठीक है स्टेट रन ऑयल रिफाइनिंग और आपकी मार्केटिंग फर्म है क्या, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने अभी डोर टू डोर सुविधा का घोषित किया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है अरे वाह वेरी गुड शिवम। चलो भैया एक स्टेज पार हो गया। अच्छा कल इंडिया मैच जीत गई थी। अच्छा इंग्लैंड के साथ ना। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है, पिनरई विजयन, बिश्वभूषण हरिचंद्रन, जगदीश मुखी, आरिफ मोहम्मद खान, बंडारू दत्तात्रेय। तो विवेशियस का आंसर आ गया है। अब विवेशियस हमारा नाम बहुत अच्छा है, क्या मतलब होता है इसका। शिवा का आंसर आ गया है, देन शिवम का, हाँ मीन्स बचा है, हो जाएगा 1 बाय 1 सब सब हो जाएगा। ठीक है राकेश चलो देखें जरा इस क्वेश्चन का आंसर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, सबको पता ही है भैया, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पिनरई विजयन सीएम है, कहाँ गया फर्स्ट वाला, सीएम है कहाँ के, केरला के। ठीक है केरला के सीएम है, आरिफ मोहम्मद गवर्नर है केरला की है। ठीक है इसके अलावा बिश्वभूषण चंद्रन की अगर हम बात करें तो इसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे। देन वी हैव जगदीश मुखी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जगदीश मुखी कौन है, असम के गवर्नर है। ठीक है असम के गवर्नर है। फिर आपका कौन बचता है, एक बचता है बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं और यहाँ के हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर हैं, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है और जगदीश मुखी असम बताया था, हेमंत बिस्व शर्मा आपके यहाँ के क्या है सीएम है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली बी वाला, बिश्वभूषण हरिचंद्रन, अभी बताया ही था। ठीक है क्योंकि न्यूज़ में रहते तो ऐसे स्टैटिक के क्वेश्चन आपको मिलते ज़रूर है, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो सीएम यहाँ के कौन है, वाई एस जगन मोहन रेड्डी और आपके गवर्नर इज बिश्वभूषण हरिचंद्रन। चलें आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग अनीता जी, रजत तो दिखे थे मुझे, संजय भी दिख गए हैं, अखिलेश जी नहीं है और कौन नहीं है, और जैकी नहीं दिख रहे हैं ना। चलो देख लेते हैं, जैकी का कल शायद आरआरबी का कुछ लिस्ट विस्ट आनी थी, मेंस की मुझे पता नहीं है। नेम द अशोक चक्र अवॉर्डी ऑफ 2021 हु हैज़ बीन गिवन द अवॉर्ड पॉस्थमसली। 2001 के अशोक चक्र पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है, जिन्हें जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। ठीक है परवेज जामशी, के रघुनाथ जी, बाबूलाल, विश्व बंधु गुप्ता, लक्ष्मण सिंह लहल, आपको मुझे नाम बताना है उनका। ठीक है तो राकेश संजय शिव मानसेस आ गए हैं और लोग भी काफ़ी लोग अभी भी ज्वाइन किए, ट्राई तो करो ज़रा। कल गैलेंट्री अवार्ड्स आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषित किए हैं या अनाउंसमेंट किया है, तो ये लास्ट में पूरी लिस्ट दे दूंगी आपको, चाहना तो स्क्रीनशॉट ले लेना, एक रिविजन कर लेना। ठीक है तो परवेज जमशी क्या है जामशी जी, देन के रघुनाथ, बाबूलाल, विश्व बंधु गुप्ता, लक्ष्मण सिंह लहल, रिभु संजय, राकेश का आंसर आ गया, शिवम आकाश का आंसर आ गया है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर, सी वाला आंसर है, बाबूलाल को दिया गया है, क्या दिया गया है इन्हें दिया गया है मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है अशोक चक्र। ठीक है 2021 का इम्पोर्टेंट होता है, तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है ASI बाबूराम को जो जम्मू कश्मीर में पुलिस में थे। ठीक है देन कीर्ति चक्र दिया गया है श्री अल्ताफ हुसैन भट्ट को जो कि कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर पुलिस में। ठीक है तो ये सारी चीज़ें PDF में तो आपको मिल ही जाएंगी, बट एक बार रीडिंग ज़रूर लगा लेना, होता है ना आप जब डिफेंस के जब कुछ एग्जाम्स देते हो तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, वैसे तो मैंने बता ही दिया इसका आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव कीर्ति चक्र अवार्ड इन 2021। ठीक है निम्नलिखित में से किसे 2021 का क्या मिला है, कीर्ति चक्र अवार्ड मिला है, श्रीधर शिनॉय, अल्ताफ हुसैन भट्ट, वसंत राय जी, सचिन चतुर्वेदी, राजमोहन वोरा। अनीता जी, शिवम, आकाश,
हाँ जी, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते। कीर्ति चक्र दिया गया है, सब गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे एंड में। बी वाला अल्ताफ हुसैन भट्ट, ठीक है, इन्हें दिया गया, बिल्कुल सही, लगभग सबका सही है, बिकॉज मैंने ये बता भी दिया है। तो यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, कीर्ति चक्र, अल्ताफ हुसैन भट्ट, जो कि कॉन्स्टेबल है कहाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस में, ठीक है। चलो जी आ जाओ, अब ये आपको दिखाई कैसे देगा ज़रा देख लेते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया है, कितने, 144 गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म फोर्स पुलिस यानी आर्मी पुलिस और पैरा मिलिट्री जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए टोटल 144 गैलेंट्री अवार्ड्स किए हैं, जिसमें एक अशोक चक्र होगा, एक कीर्ति चक्र होगा, देन 15 शौर्य चक्र होंगे, फिर 4 बार 2 सेना मेडल्स होंगे, 100 to 16 सेना मेडल्स होंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं ये आपकी, ये एक रीडिंग लगा लेना, ठीक है। फिर अशोक चक्र के बारे में जो इम्पोर्टेंट होता है, ये बाबूराम जी को दिया गया है जम्मू कश्मीर, कीर्ति चक्र बता दिया मैंने, अल्ताफ हुसैन को दिया है। देखो फिर ये एक सेकेंड, हाँ, फिर ये शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया, 15 लोगों को दिया गया है। अगर दिख रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक रीडिंग जल्दी जल्दी से बोल दें। अरुण कुमार पांडे को दिया गया है, रवि कुमार चौधरी, आशुतोष कुमार, विकास खत्री, फिर मुकेश कुमार, फिर सिपाही नीरज अहावत अहलावत, फिर कैप्टन सचिन रैबुन, ग्रुप कैप्टन परमिंदर अंतिल, विंग कमांडर वरुण सिंह, सतीश कुमार, फिर मनजिंदर सिंह, सुनील चौधरी, देवसी शेट्टी, सुधीर कुमार तेंडू या शाहबाज अहमद, ये शौर्य चक्र 15 लोगों को दिया गया है। फिर आते हैं हम बार टू सेना मेडल, जो गैलेंट्री अवार्ड है, 5 लोगों को दिया गया है, कृष्णकांत वाजपेयी, ठीक है, फिर सुरेंद्र सिंह लांबा, फिर राहुल बलमोहन, देन वी है आपका अंकित दहिया, ठीक है। हाँ बेटा, मैं टेलीग्राम पे ये अलग से भी डाल दूंगी, बाकी आपका क्या कहते हैं ये इसमें पीडीएफ में तो अवेलेबल होगा ही, और पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा चैनल से भी, प्लस आप मेरे से अगर जुड़े करंट अफेयर्स बाय मीनम सिंह टेलीग्राम पे डाल देंगे, बट एक रीडिंग जरूर लगा लेना, ठीक है।